नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं टॉप 5 खबरों के बारे में जो क्रिकेट की दुनिया से आ रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली खबर आ रही है हरभजन सिंह को लेकर, जिन्होंने आईपीएल 2020 पर एक बार फिर से अपनी राय रखी है। दोस्तों, आईपीएल 2020 के आयोजन पर बोलते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि भविष्य में कुछ समय तक सभी देश अपनी ट्रेवल एडवाइजरी में सख्ती बरतने वाले हैं, ऐसे में क्रिकेटर्स विदेशी टूर नहीं कर पाएंगे। हरभजन सिंह ने कहा कि आईपीएल इतिहास में पहली बार होगा जब इसे टालना पड़े और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी सबसे पहले है, क्रिकेट तो बाद में भी हो पाएगा। तो हरभजन ने साफ कर दिया कि लोगों की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्रिकेट बाद में भी खेला जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी खबर आ रही है गौतम गंभीर को लेकर, जहां पर गंभीर ने भी आईपीएल पर अपना विचार रखा है। दोस्तों, गंभीर ने कहा कि अगर आप देश के मूड को बदलना चाहते हैं तो सभी आईपीएल हारने या जीतने के लिए नहीं खेले जाते हैं, कुछ देश का मूड बदल सकते हैं, तो ऐसे में आईपीएल से बेहतर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि आईपीएल आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आईपीएल इस साल होता है, जैसा कि एक भारतीय के तौर पर मुझे लगता है, तो किसी भी फ्रेंचाइजी को इसे जीतने या हारने के तरीके से नहीं देखना चाहिए, उन्हें इसे देखना चाहिए राष्ट्र की भावना को बदलने का एक तरीका है। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण बहुत नकारात्मकता है, आईपीएल से माहौल बदल जाएगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि यह पिछले 12 वर्षों में सबसे खास आईपीएल होगा। गंभीर ने आगे कहा कि अगर ये लीग बंद दरवाजे के पीछे विदेशी खिलाड़ियों के बिना भी होती है तो भी यह बहुत अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरी खबर आ रही है T10 लीग को, जहां पर T10 लीग की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, UAE के अबू धाबी में T10 लीग आयोजित होने की घोषणा की गई है। इस टूर्नामेंट का यह लगातार चौथा सीजन होगा। T10 लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बारे में बताया गया कि 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल इस टूर्नामेंट में शेख जायद स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक आए थे, इसे देखते हुए ही एक बार फिर से वैसा ही होने की उम्मीद सभी को होगी। इसके बाद दोस्तों, चौथी खबर आ रही है जॉस बटलर को लेकर, जहां पर बटलर ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना आदर्श बताया है। दोस्तों, बटलर ने लंकाशायर क्रिकेट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी हमेशा से ही मेरे बड़े आदर्श रहे हैं, उनके आसपास हमेशा से भीड़ रहती है, लोग हमेशा से उनकी झलकी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी सीख रही है, उनको देखकर सीखा कि आपको कैसे शीर्ष स्तर पर मुश्किल स्थिति में प्रदर्शन करना होता है, यह निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात रही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत में आपको एक तरह का दबाव झेलना होता है, एक विदेशी खिलाड़ी होने के नाते आप उन 4 खिलाड़ियों में से होते हैं जो खेलते हैं। आप जानते हैं कि बाहर जो 4 विदेशी खिलाड़ी बैठे हैं वे भी विश्व स्तर के हैं, इसलिए आप प्रदर्शन करने के दबाव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए यह मेरे लिए एक सीखने वाली बात रही है, आईपीएल से मैंने सीखा है कि आप कैसे दबाव से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, जहां पर दोस्तों अगर इंग्लैंड में मैचेस नहीं होते हैं तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ECB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण अगर पूरे सत्र में खेल नहीं हो पाया तो इंग्लैंड में क्रिकेट को 38 करोड़ पाउंड का नुकसान होगा। इस अनुमानित नुकसान का आकलन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को ध्यान में रखकर किया गया है। ECB ने पिछले हफ्ते जुलाई तक काउंटी सत्र को निलंबित कर दिया था। हैरिसन ने cricketer.com से कहा कि हमने सबसे बुरी स्थिति का अनुमान लगाया है, जिसमें इस साल कोई क्रिकेट नहीं होने की तुलना में हमें 38 करोड़ पाउंड का नुकसान होगा। इस दौरान क्रिकेट के 800 दिनों घरेलू और राष्ट्रीय टीम के मैचों को मिलाकर खेल का नुकसान का आकलन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से क्रिकेट की टॉप 5 न्यूज़ें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।